अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और इस वक्त नई सुबह का आगाज़ हो चुका है और अभी मुस्तफ़ा ने स्कूल भी जाना है क्योंकि टाइम भी तकरीबन 7 बजने वाले हैं। तो अभी मुस्तफ़ा को उठाते हैं और मुस्तफ़ा भी रेडी होगा स्कूल के लिए। मैं अभी उसको स्कूल ड्रॉप करूँगा, फिर डेली की जो रूटीन होगी वो आपके साथ शेयर करूँगा। रेडी हो गया हूँ और अभी हम स्कूल के लिए निकलेंगे पापर में। तो फिर जब स्कूल से आएंगे मैं तो तभी व्लॉग बनाऊँगा, पापा मुझे व्लॉग बनाएंगे बस। ये तो मैंने छोले ले लिया दोनों घर के लिए। और यहाँ से मैं दूध ले रहा हूँ क्योंकि छोले तो मैंने ले लिए, बस यहाँ से मैं दूध ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे पानी वाला टैंकर आ हुआ है, ये पाइप लगा हुआ है क्योंकि आगे बाइक का रास्ता नहीं है, मैं बाइक यहीं पार्क कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे पानी का पाइप लगाया हूँ और घर में पानी डाल रहा है। अभी तो मैं घर पहुँच चुका हूँ, ये देखें ये हमारा ओल्ड हाउस जहाँ हम पहले रहते थे। तो मैं आ गया हूँ घर पे, नाश्ता है, रोटी बना, नाश्ता कर लेते हैं। ये तो मैं अभी यहाँ से निकल रहा हूँ क्योंकि मुझे कहीं जाना है, इसलिए मुझे देर ना हो जाए। और मैंने अपने छोले साथ ले लिए। ठीक है तो मैं जा रहा हूँ अभी घर। ओके, अल्लाह हाफिज। और अभी तक पानी वाला टैंकर सामने खड़ा हुआ है और मुझे दूसरी तरफ से जाना पड़ेगा क्योंकि अभी तक रास्ता बंद है यहाँ से। तो मैं घर पहुँच चुका हूँ, काफ़ी टाइम भी हो चुका है, कहीं जाना था इसलिए मैं वहाँ से जल्दी वापस आ गया। ये तो मैं अंदर आ गया। ओ माओ भी आ गई है। माओ क्या हुआ? माओ माओ को लगता है भूख लगी हुई है, इस वजह से काफ़ी परेशान है। ओके ओके, चलते हैं ऊपर, आ जाए आ जाए माओ, चलो चलो आगे चलो, चले 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 आगे। ये तो मैं वापस घर आ गया हूँ और इस वक्त 8:45 हो गए। ये तो मैं मुस्तफ़ा को ड्रॉप करके और दूसरे घर से भी वापस आ गया हूँ। और ये दोबारा सो गए आप लोग? मैं मुस्तफ़ा को छोड़ के आ गया क्योंकि सुबह सुबह जल्दी उठे, सितारा मुस्तफ़ा को रेडी किया और मैं मुस्तफ़ा को स्कूल छोड़ के वापस आ गया। ये तो मैं माओ की चिकन लेने के लिए शॉप पर पहुंच चुका हूँ और माओ की चिकन जो है ना रेडी कर रहा हूँ। कितने बजे? ये तो मैंने यहाँ से दूध ले लिया, अब मैं वहाँ से माओ की चिकन लूँगा और फिर घर चला जाऊँगा। ये चिकन रेडी हो चुकी है और लेके जा रहा हूँ, चिकन ले लिया मैंने। जी तो मैं वापस आ गया और मेरे ख्याल में माओ भी बैठी होगी क्लास। ये देखो ये कुत्ता, ये मैं चिकन लेके वापस आ गया। जी तो इस वक्त हम सब रेडी हैं घूमने के लिए क्योंकि कल एक सब्सक्राइबर ने कहा कि हमारी गाड़ी आप ले जाएं बच्चों को घुमाने के लिए। और इस वक्त सब बच्चे सब रेडी हैं और मैं कौसर को लेने गया तो उन्होंने मना कर दिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं और मैं अभी नहीं जा सकती, तो आप चले जाएं। तो अभी मैं गाड़ी लेने जा रहा हूँ, गाड़ी लेके आऊँगा और सब बच्चों को लेके चला जाऊँगा।
अभी इस वक्त हम डॉल्फिन मॉल में बच्चों को घुमाने के लिए लेके आया हूँ। मुस्तफ़ा ने कहा कि मुझे ले जाओ डॉल्फिन मॉल, वहाँ प्ले एरिया, तो प्ले एरिया में अभी खेलेगा मुस्तफ़ा। तैयबा भी है, आयत भी है, सब है। जी तो मैं घर पहुंच चुका हूं, अब देखते हैं कि सारे सो गए हैं या जाग रहे हैं। ये तो काफ़ी हेटर हैं जो अक्सर नेगेटिव वीडियोस बनाते रहते हैं और हर वक्त हमारे चैनल्स को तनकीद का निशाना बनाते रहते हैं। कभी भी हमने उनके बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा, पर उनको चाहिए कि ऐसी गलत जो वीडियोस हैं और जो इंतशार फैलाया हुआ है वो मत फैलाएं, क्योंकि इनके जो बच्चे बड़े होंगे तब इनको देखेंगे कि हमारे माँ बाप इस लैंग्वेज के मालिक थे, ऐसी लैंग्वेज बोलते थे, तो उनके अपने बच्चे ही उनसे बागी हो जाएंगे और कहेंगे कि हमारे माँ बाप ऐसे थे। और हम ये नहीं कहते कि रिएक्शन वाले जो हैं वो अपना रिएक्शन ना दें, हम ये कहते हैं कि अच्छा सा रिएक्शन दें, जो रिएक्शन बनता है। जो गलत वीडियोस बनाते हैं, गलत कमेंट्स करते हैं और हर वक्त एक ही चैनल को बुरा भला कहा जाता है, पता नहीं इन ये जब हमारे चैनल्स का नाम छोड़ते हैं, टॉपिक छोड़ते हैं, इनको व्यूज़ नहीं आते, और जब देखते हैं कि हमारे व्यूज़ बहुत कम हो गए फिर इसी टॉपिक को लेके बैठ जाते हैं, पता नहीं ऐसा क्या है इनमें। जी तो आज की वीडियोस आपको कैसी लगी है आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आपका सपोर्ट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नए फ्रेश व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।